आदिवासी पिछड़े समाज की बहनों को गैस का कनेक्शन, धुएं से मुक्ति, गैस का चूल्हा पहुंचाया। गरीब माताओं बहनों को इज्जत घर मिले, इस सोच के लिए अंधेरे का इंतजार करने के कष्ट और अपमान से मुक्ति मिली है, शौचालय बनाए गए। ये हमारी ही सरकार है जिसने बलात्कार, रैप जैसे जघन्य अपराध के लिए फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। महिला हितों और महिला सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह संवेदनशील हैं, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस इस तरह का काम कर रही है वो देश आज फिर देख रहा है। साथियों, बीते तीन दिन से राजस्थान के अलवर की एक खबर धीरे धीरे बाहर आना लगी है। वहां एक दलित बेटी के साथ दो हफ्ते पहले कुछ दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया, लेकिन उन दरिंदों को राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने उन्हें पकड़ने के बजाय वहां की पुलिस, वहां की कांग्रेस सरकार इस केस को ही छिपाने में, दबाने में जुट गई। साथियों, राजस्थान में भी चुनाव थे, इसलिए वहां की कांग्रेस सरकार ये नहीं चाहती थी कि चुनाव के पहले ये खबर बाहर आए। ये खबर को दबाना चाहते थे, गुनहगारों को बचाना चाहते थे, वोट बैंक बटोरना चाहते थे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जिस बेटी पर सामूहिक बलात्कार हुआ उस बेटिया को न्याय दिलाने के बजाय चुनाव बचाने का काम ये कांग्रेस की सरकार करती रही। भाइयों बहनों, यही कांग्रेस के न्याय की सच्चाई है। कांग्रेस को डर था कि दलित बेटी से बलात्कार की बात खुलने से उसके वोट पर असर पड़ेगा, इसलिए उसने इस पीड़ित की बात को ही अनसुना कर दिया। जो चुनाव के समय बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को भी छिपाने की कोशिश करे और इनके दिलाग दरबारी भी इतने भयंकर कांड को दबाते रहे और ये मोमबत्तियां लेकर के निकल पड़ने वाले लोग, उनकी मोमबत्तियों से धुआं निकल रहा है, बेईमानी का धुआं निकल रहा है। ये जो बारी बारी से अवार्ड वापसी की गैंग थी, जरा उस अवार्ड वापसी को पूछना चाहता हूं, क्या अलवर की बेटी पे बलात्कार होना आपकी और वो अवार्ड वापसी गैंग क्यों सो गई है, क्यों चुप बैठी है? साथियों, कांग्रेस न बेटी के साथ न्याय कर सकती है, न बेटे के साथ। न्याय के नाम पर कांग्रेस और उसके साथियों ने हमेशा देश के साथ अन्याय किया है। साथियों, मां भारती की रक्षा के लिए यहां के सपूत देश के हर कोने में तैनात है। सीमा पर जाइए, कोई न कोई तो गाजीपुर का नौजवान मिल जाएगा। और हमारा गैमर गांव, हमारे गैमर गांव की तो हिंदुस्तान के हर कोने में चर्चा होती है। हर माता मां भारती की सेवा में
अपने सपूतों को खुशी खुशी सेना में भेजती है, लेकिन देश की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगाने वालों के लिए इन लोगों की सोच क्या है, इन लोगों की सोच क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। भाइयों बहनों, जो बात मैं बताने वाला हूं गाजीपुर के लोगों के लिए चौंकाने वाली है, हर वीर माता के लिए चौंकाने वाली है, पूरे हिंदुस्तान के आंख में आंसू ला देने वाली घटना। कर्नाटक में कांग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया है, उस मुख्यमंत्री के पिता प्रधानमंत्री भी रहे, भले टेम्पररी रहे हो, कुछ समय रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री पद पे थे, और उनका बेटा कांग्रेस ने उसको मुख्यमंत्री बनाया। ये कांग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया, जो कर्नाटक में सरकार चला रहा है, उसने क्या बयान दिया है? ये बयान, एक बयान ऐसा है जिस बयान को लेकर ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उनके जितने महामिलावटी साथी हो, इनको जीवन भर बहिष्कार करना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने बोली है। उन्होंने कहा, देखिए ये अपमान कैसा किया, उन्होंने कहा सेना में तो वही लोग जाते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं होता है, भूखे मरते हैं, दो टाइम की रोटी नहीं है, इसलिए सेना में जाते हैं। क्या गाजीपुर, क्या हमारा पूर्वांचल इसलिए अपने बच्चों को फौज में भेजता है क्योंकि वो भूखे मरते हैं, उनके पास पेट भरने के लिए कुछ नहीं है? आप इनकी बातों से सहमत हैं? ये सेना का अपमान है कि नहीं है? वीर माताओं का अपमान है कि नहीं है? आपकी वीर संतानों का अपमान है कि नहीं है? देश के लिए मर मिटने वालों का अपमान है कि नहीं है? इन अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? पूरी ताकत से लोगे कि नहीं लोगे? भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। वो रोटी खाने के लिए नहीं, गोली खाने के लिए जाता है, देश के लिए मरने के लिए। साथियों, आज तक आपने सुना कि कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने अपने इस साथी के बयान और मुख्यमंत्री का बयान सामान्य नहीं होता है। अभी तक इस बयान को गलत बयान इन्होंने नहीं कहा, उनकी चुप्पी बताती है कि वो आपके इस अपमान का समर्थन करते हैं, वीरों का अपमान करते हैं, वीर माताओं का अपमान करते हैं। आप मुझे बताइए, पूरी ताकत से बताएंगे, पूरी ताकत से बताएंगे, हाथ ऊपर करके बताएंगे, क्योंकि गाजीपुर से सपा बसपा कांग्रेस को पूरे देश में संदेश जाना चाहिए। आप मुझे बताइए, जो लोग वीर माताओं का अपमान करें, वीर पुत्रों का अपमान करें, सेना में जाने वालों का अपमान करें, क्या ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए? भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में जहां शांति की स्थापना के लिए हमारे सपूत डटे हुए, पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं, वहां तैनात उन सपूतों के जीवन को संकट में डालने का काम ये सपा बसपा और कांग्रेस वाले कर रहे हैं। वो कह रही है कि अलगाववादियों से बातचीत होनी चाहिए, सैनिकों को मिला विशेष अधिकार खत्म होना चाहिए, देशद्रोह का कानून खत्म कर देना चाहिए। भाइयों बहनों, बुआ बबुआ हो या कांग्रेस,
इन महामिलावटियों की कैसी सोच है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी को हटाना है। मोदी को क्यों हटाना है? क्योंकि उसने आतंकवादियों, नक्सलवादियों, अलगाववादियों को सबक सिखाने की ठानी है। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले, आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने की नीति ये मोदी ने। इसलिए मोदी को हटाना है। देश के शहरों में बम धमाकों से बचाया हमने देश को, हर शहर को बचाया। क्या देश के सामान्य नागरिक को बम धमाकों से बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? क्या इस गुनाह के लिए मोदी को हटाना चाहते हो? आतंक निर्यात करने वाले, आतंक को एक्सपोर्ट करता है, उस पाकिस्तान के हाथ में मोदी ने कटोरा पकड़ा दिया है, क्या इसके लिए मोदी को हटाना है? भाइयों बहनों, देश के एक बड़े हिस्से ने इन स्वार्थियों को पहचान लिया। इनके पास सिर्फ पीएम बनने के सपने हैं, देश के लिए विजन नहीं है। ये लोग 20वीं सदी वाली समाज को बांटने वाली अफवाह और बाहुबली राजनीति ही कर सकते हैं। इनको एहसास ही नहीं है कि 21वीं सदी के युवा के सपने अलग हैं। वो एक नया हिंदुस्तान चाहता है, यहां उसकी आकांक्षाओं को उड़ान मिले। यही कारण है कि आज पूरा देश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है, जी भर करके कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, विकास और राष्ट्र को लेकर हमारी भावना मजबूत रहे, इसके लिए दिल्ली में मजबूत सरकार फिर से बनानी है। हर बूथ पर आपको कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, आप चाहते हैं देश मजबूत बने? देश को मजबूत बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, तो अपने बूथ को मजबूत बनाओगे, बूथ को मजबूत बनाओगे, घर घर जाओगे, मतदाताओं से मिलोगे, मतदान करने के लिए समझाओगे, कमल पे बटन दबाने के लिए कहोगे, चुनाव के दिन घर से ले जाओगे, जलपान के पहले मतदान कराओगे, 10 बजे के पहले ज्यादा से ज्यादा मतदान हो जाएगा, गर्मी कितनी हो मतदान ज्यादा होगा, माताएं बहनें मेहनत करेगी, बहनों का मतदान ज्यादा होगा, पहली बार जो मतदाता है उनका मत आएगा, नए मतदाता मत करेंगे, आप लोग पूरी ताकत लगाएंगे। भाइयों बहनों, आप इतनी ताकत लगाओगे तो मैं भी सवाल दे रहता हूं, कमल के निशान पर पड़ा आपका हर वोट मोदी के खाते में जाए। भाइयों बहनों, आप सबके इतने प्यार को, आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।